नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचयता पर जो जो आरोप लगे हैं उस पर हमने चर्चा की। आज इस वीडियो के अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि ये जो आरोप लगे हैं वो किस हद तक सही हैं और प्रसाद के रंगमंच को लेकर क्या विचार हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके जो आरोप लगे हैं, पहले उसी के आधार पर हम लोग शुरू करते हैं जहां मैंने पिछली बार खत्म किया था। प्रसाद के नाटकों पर क्या आरोप लगता है, नाटक जो उनके पात्र हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, उसकी कालावधि जो है क्या है 25-25 साल, 20-20 साल, काफी लंबी कालावधि होती है। ठीक है, ऐसा ही आरोप जो है शेक्सपियर के नाटकों के ऊपर भी लगता था कभी। साथ ही साथ शेक्सपियर के नाटकों के ऊपर भी रंगमंचयता को लेकर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन शेक्सपियर के नाटक जो है कालांतर में चलकर बहुत सफल हुए। कैसे सफल हुए, तो फिर कहां फर्क आया? प्रसाद के नाटकों पर जो आरोप लग रहे हैं वैसे ही आरोप जो है कभी शेक्सपियर के नाटकों पर भी लगते थे, लेकिन शेक्सपियर के नाटकों का बाद में मंचन हुआ, बहुत सफल मंचन हुआ। और हम सभी जानते हैं शेक्सपियर जो इंग्लिश नाटक के जो है इंग्लिश ड्रामा के सबसे बड़े नाटककार हैं। तो वहां पर एक ग्रेनविक पार्कर नामक जो है एक रंगकर्मी आए, एक कुशल निर्देशक आए, उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का जो है अयथार्थवादी तरीके से काफी शानदार तरीके से मंचन किया। तो प्रसाद के संदर्भ में भी यह कहा जा सकता है कि प्रसाद को भी किसी ग्रेनविक पार्कर का इंतजार है, यानी कोई कुशल रंगकर्मी होगा, निर्देशक होगा, रंग निर्देशक होगा, जिसकी वजह से जो आएगा और प्रसाद के नाटकों का मंचन करेगा। यह तो समग्र रूप से हुई। अब हम लोग एक एक करके आते हैं भाषा। प्रसाद के नाटकों पर यह आरोप लगता है कि उसके जो भाषा है पात्र अनुकूल नहीं है। जो ग्रीक आते हैं वह भी क्या बोलते हैं, वह भी शुद्ध हिंदी संस्कृत तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं। इस विषय में स्वयं प्रसाद का यह कहना है कि अगर मेरे नाटक में कई देशों के अगर पात्र आएंगे तो क्या मैं उनके देशों की भाषा का प्रयोग करूंगा। यह प्रसाद का खुद का जो है तर्क है कि मैं उनके देश की भाषा का प्रयोग तो करूंगा नहीं, इसलिए मैंने अपने नाटक में जो है भारत की ही हिंदी का प्रयोग किया है। हालांकि हम देखते हैं कि कालिदास के नाटकों में भी जो है जो उच्च वर्ग होता है वह संस्कृत परिष्कृत संस्कृत बोलता है और अधम छोटे पात्र जो होते हैं वो प्राकृत और भ्रंश पाक प्राकृत का प्रयोग करते हैं। तो यह जो आरोप है प्रसाद के नाटकों पर उनकी भाषा में पात्र अनुकूल भाषा नहीं है, यह जो है बहुत हद तक सही है। यद्यपि यह भी सत्य है कि अगर 10 देश के अगर पात्र उनके नाटकों में अगर हों तो ऐसा संभव नहीं है कि वो 10 देशों की भाषा का प्रयोग करें, लेकिन किसी ग्रीक के मुख से संस्कृत निश्चय जो है हिंदी बहुत ज्यादा सही नहीं है। तो पात्रानुकूल भाषा में होने का आरोप जो है वह बहुत हद तक सही है। संस्कृत निष्ठ तत्सम और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग जो है, क्लिष्ट शब्दों का चयन जो है भारतीय पात्रों के संदर्भ में, यह आरोप इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि ये शब्द ही वो साधन है प्रमुखता जिसके माध्यम से वो उस समय की परिवेश को हमारे सामने आकर लाकर खड़ा कर देते हैं। उस समय जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता था, गण प्रमुख होता था, अमात्य होता था, महामात्य इत्यादि जिसका उन्होंने इसमें प्रयोग किया है, उसका उन्होंने प्रयोग इस नाटक में किया है। तो यद्यपि कि वो अब वर्तमान समय में प्रचलन में नहीं इसलिए वो क्लिष्ट लगते हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में जो है पात्रानुकूल भाषा का आरोप जो है वह गलत है। अब हम लोग आगे देखते हैं संवाद योजना पर। गीतों की अनावश्यक उपस्थिति है, बिल्कुल सही, कई बहुत ज्यादा गीत हैं तो गीतों को काटा छाटा जा सकता है। इसके रंगमंचयता को रंगमंच के अनुकूल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, अनावश्यक जो गीत हैं उनको काटा छाटा जा सकता है। वैसे गीत जो पात्रों के मनोभाव को बिल्कुल नहीं दर्शा रहे हैं, साथ ही साथ कथानक के प्रवाह में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, वैसे गीतों को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। साथ ही साथ जो लंबे लंबे गीत हैं उनको काटा छाटा जा सकता है, ऐसा करके नाटक के आकार को छोटा बनाया जा सकता है। दार्शनिकता का दबाव, यह जो है आरोप सही है, दार्शनिकता का दबाव है। पात्र योजना जो है, पात्र योजना पात्रों की संख्या पर हम लोग आते हैं। पात्रों की संख्या जो है निश्चित रूप से इस नाटक में ज्यादा है, लेकिन हम कई ऐसे नाटक देखते हैं जिनमें पात्रों की संख्या जो है चंद्रगुप्त नाटक से भी ज्यादा है, लेकिन उनका जो है काफी सफल मंचन हुआ है। ठीक है, जैसे कि शेक्सपियर के ही कई ऐसे नाटक रहे हैं जिसमें 100-100 पात्र हम लोग देखते हैं, 100-100 पात्र हैं। और महाभोज नाटक है उसमें भी लगभग 50 पात्र हैं, महाभोज नाटक में 50 के लगभग पात्र हैं। तो पात्रों की अधिकता जो है वह सवाल नहीं है, हाँ पात्रों के बीच जो है उनकी कथानक के बीच
जो है अनुपातिक संतुलन का निर्वाह न हो पाना यह समस्या है। तो पात्रों की अधिकता भी कारों भी गलत है। अब दृश्य योजना में हम देखते हैं दृश्यों की संख्या के बारे में बताया जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक में जो है दृश्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, संभवतः 44 दृश्य है, इसमें चार अंक और 44 या 42 दृश्य हैं। तो निश्चित रूप से दृश्य बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा दृश्यों वाले नाटक या इतने ही लगभग दृश्यों वाले नाटक जो हैं उनका मंचन न सिर्फ सफलतापूर्वक हुआ है बल्कि वो काफी सफल रहे हैं। छोटे सैयद बड़े सैयद एक उदाहरण है। विष्णु प्रभाकर का स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा नाटक है जिसमें लगभग 47 दृश्य थे। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा यह नाटक जो है शेक्सपियर का ही है, इसमें 42 दृश्य हैं और चंद्रगुप्त नाटक में 44 दृश्य हैं। तो एंटोनी क्लियोपैट्रा 42 दृश्य हैं, पूरी तरह से सफल नाटक है। स्वतंत्रता संग्राम विष्णु प्रभाकर का 47 दृश्य है, छोटे सैयद बड़े सैयद है, ये सब जो है इनमें भी दृश्य जो है बहुत ज्यादा हैं, इसके बावजूद ये सफल हैं। तो सवाल दृश्यों की अधिकता का नहीं है, दृश्यों की अधिकता का आरोप लगाकर कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि इनके नाटक जो हैं रंगमंचीय नहीं हैं। अब हम लोग आगे विचार करते हैं कि इनके नाटक का जो यह है वस्तु योजना है या दृश्य योजना जो है इनमें काफी फैलाव है, नाटक के फलक में काफी फैलाव है, इस वजह से रंगमंचीयता में बाधा आती है। तो यह आरोप जो है न सिर्फ पूरी तरह से खारिज किए जाने योग्य है बल्कि हास्यास्पद है। भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से यह देखते हुए कि हम लोग देखते हैं रामलीला का मंचन देखते हैं, कृष्णलीला का मंचन देखते हैं, कृष्णलीला और रामलीला जो है इससे बड़ा फलक क्या हो सकता है, 10-10 दिनों तक चलने वाला यह नाटक होता है, नाटक ही तो हम लोग स्टेज पर खेलते हैं इसे। तो इसलिए जो है चंद्रगुप्त नाटक के ऊपर जो यह आरोप लग रहा है कि बहुत ज्यादा फैलाव है यह पूरी तरह से गलत है। कई सारे दृश्य हैं, अब दृश्य कई सारे ऐसे हैं जिनका मंचन जो है स्टेज पर रंगमंच पर किया जाना कठिन है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, यह जो है कुशल निर्देशक की कल्पना के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए किस प्रकार से उनका मंचन स्टेज पर करे। यह जो है इस नाटक की सीमा नहीं है बल्कि यह एक रंगकर्मी एक निर्देशक के लिए जो है ये कल्पना की खुली उड़ान देता है, छूट देता है, एक खुली छूट देता है कि आप उसका मंचन अपने तरीके से किस तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे कि वह अयथार्थवादी तरीका जैसे मैंने पहले बताया, अगर किसी किले का दृश्य दिखलाना है, जंगल इत्यादि का दृश्य दिखलाना है, तो दिल्ली में जो नाटक का कई मंचन होता है उसमें पुराने किले का उपयोग, पुराना किला दिल्ली में है उसको ही रंगमंच के रूप में बना लेते हैं, स्टेज के रूप में बनाकर वहां पर मंचन करते हैं। तो इसी तरह से तरीके अपनाकर जो है इस नाटक का मंचन किया जा सकता है। यूरोप में जो नाटक होते हैं उसमें जो स्टेज जो बनाया जाता है, रंगमंच बनाया जाता है, उसकी कल्पना बड़ी अजीब होती है। ये दर्शक बैठे हुए हैं, यहाँ देखिएगा इस तरह से दर्शक ऐसे बैठे हुए हैं, रंगमंच यहाँ इस तरह से नहीं होता है, केवल क्या होता है इस तरह से रंगमंच है, दर्शक के बीच यहां तक रंगमंच किया है, इस तरह का रंगमंच है, यानी कि यहां दर्शक बैठे हैं, यहां दर्शक बैठे हैं, एक घटना यहां हो रही है, ये रंगमंच है पूरा, घटना यहां हो रही है, यहां का दर्शक देख रहा है, यहां का दर्शक देख रहा है, यहां भी देख रहा है। तो जो रंगमंच है उसके ढांचे में भी परिवर्तन करके जो है इनके नाटकों का मंचन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त नाटक है वो एक और इस पर आरोप लगता है इसके रंगमंचिता की सीमा पर, इसमें रंग संकेतों का अभाव है, रंग संकेतों का बहुत ज्यादा इसमें हम देखेंगे, नाटक जब पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा वर्णन नहीं किया गया है कि यह ऐसी स्थिति थी, ये ऐसा कर रहे थे, बस एक दो लाइन में दिया गया है, फलाना उद्यान इसमें टहलते हुए चंद्रगुप्त और सेल्यूकस बातचीत करते हुए, ये बहुत ज्यादा रंग संकेत नहीं है। तो यह भी इसकी कोई बहुत बड़ी सीमा नहीं है, यह कुशल निर्देशक के ऊपर है कि वह यहाँ पर फिर से कि वह अपनी कल्पना की उड़ान का प्रयोग करते हुए वह किस तरह का रंगमंच का सज्जा को सजाता है। अब अंत में हम लोग देखते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक के रंगमंचिता पर जो आरोप लगते हैं वह पूरी तरह से सही नहीं है और उसे खारिज किया जा सकता है। अब हम लोग रंगमंचिता को लेकर या नाटक रंगमंच या चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचिता को लेकर जयशंकर प्रसाद के क्या विचार थे उस पर आकर हम लोग देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के मंचन के लिए, विशेष रूप से चंद्रगुप्त के मंचन के लिए, उन्होंने 3 आवश्यक शर्त रखे थे। वो बोले थे कि मेरे नाटक अभी मंचनीय हो सकते हैं यदि पर्याप्त मात्रा में द्रव्य हो, यानी अच्छा खासा धन हो, तो मेरे नाटकों का मंचन हो सकता है।
दूसरा कुशल अभिनेता हो, यानी अभिनेता भी कुशल होने चाहिए, तभी वो इनके जो है इंग्लिश संस्कृत निष्ठ जो है तत्सम निष्ठ भाषा का जो है अच्छे से वो उस मंचन कर पाएगा। तो कुशल अभिनेता, पर्याप्त मात्रा में द्रव्य, और जो है सहृदय प्रेक्षक, सहृदय दर्शक, ठीक है, सहृदय कुशल सामाजिक यानी देखने वाला। इनके नाटक जो है, नाटक खेल रहे हैं, नाटक जो है खेलने वाला है नट, वो भी बहुत अच्छा वही एक्टिंग कर रहा है, सामने बैठे हुए हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो उस तरह से सहृदय है ही नहीं, वो उस लेवल उनका उतना ऊंचा है ही नहीं, उसका आस्वादन वो कर पाए, क्योंकि इनकी नाटक की भाषा क्लिष्ट है और तमाम जगह कल्पना का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए तीसरे शर्त इन्होंने क्या बताई थी कि एक जो है अच्छा हमें सहृदय क्या मिलना चाहिए, एक दर्शक मिलना चाहिए। तो इन्होंने अपने नाटकों की रंगमंचिता पर जो आरोप लगे थे उसका जवाब में इन्होंने तीन आवश्यकताएं बतलाई कि कुशल अभिनेता होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में धन खर्चा कीजिए, मेरा नाटक एकदम से मंचित होगा, और जो है सहृदय जो है दर्शक होना चाहिए, प्रेक्षक होना चाहिए, वो तभी हमारा नाटक अच्छे से मंचित हो पाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक की, दोनों वीडियो में हमने देखा चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंच, नाटक रंगमंच संबंध, चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचिता पर लगे आरोप, और इस वीडियो में हमने क्या देखा, उन आरोपों का खंडन व स्वयं जयशंकर प्रसाद का इस विषय में विचार। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य की बीपीएससी की पूरी जितना भी बीपीएससी में हिंदी साहित्य में प्रिस्क्राइब्ड है सबके लिए नोट्स लाने वाला हूँ, और मैं स्वयं बीपीएससी में चयनित हूँ, साथ ही साथ मुझे हिंदी साहित्य में लगभग जो है 280 नंबर आए थे 56वीं 57वीं में, लगभग ये 73-74-75% के आसपास मुझे अंक आए थे। तो मैं काफ़ी मेहनत से, कहने का तात्पर्य है कि काफ़ी मेहनत से वीडियो आगे जो भी आएगा बनाऊंगा, काफ़ी तथ्यात्मक जानकारियों के साथ बनाऊंगा, जिससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो प्लीज़ इसे देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।